अभी इंडिया में 9 ब्रांच चल रहा है, जिसमें से एक अपने बिहार मुजफ्फरपुर में भूमि भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से ओपन हुआ है। ठीक है, 2 ईयर्स कम्प्लीट होने वाला है। ठीक है, ये हॉस्पिटल का नेम है। तो अभी सबसे नजदीक यहाँ से अगर हम लोग को देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, तो बाहर क्यों जाना है? बाहर फिर ऐसे में तो बाहर ही ना जाएंगे, बहुत कोई बाहर जाने के लिए गरीब तबके को पैसे नहीं रहते हैं, उस पर से ट्रेन की टिकटें नहीं मिलती है, जाने में ही इतना ज्यादा खर्च हो जाता है, आप लोग इलाज क्यों करवाएंगे? और ये एक ऐसा इलाज है खर्चीला है, खत्म हो जाते हैं पेशेंट के। तो आज हम लोग जैसे अभी बिहार मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में ब्रेस्ट जल्दी पता ही नहीं।
एग्जामिंग नहीं करेंगे, आपको एग्जामिंग मेथड नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे एग्जामिंग करेंगे? पता होगा सबको कि कैंसर बीमारी हो रही, किसी ने किसी की फैमिली में एक दो निकल भी जा रहे होंगे, लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, टाइम बिल्कुल नहीं है किसी के पास आजकल। तो आप लोग को आज जो भी इस तरह का है ये सारी चीजें, अब क्या है ना कि अर्बन जो रूरल और अर्बन है, ठीक है, अर्बन में सबसे ज्यादा महिलाएं में पाई जा रही, क्यों? क्योंकि उनका जो रहन सहन है वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, ठीक है। महिलाएं आजकल अल्कोहल का यूज कर रही है, बैलेंस डाइट नहीं कर पा रही है, स्मोकिंग करने लगी है, और एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर नहीं रहता है, स्नैक्स वगैरह बाहर का खाना, जंक फूड खाना, ये सारी चीजों की वजह से भी बहुत ज्यादा ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो गांव घर में क्या होता है ना कि ठीक है, गांव घर का अभी भी स्टाइल है, थोड़ा बहुत वर्क करना है, मॉर्निंग में जग जाना है, लेकिन हम लोग क्या सुबह जगे लेकिन ज्यादा कुछ रहते हैं यही हो रहा है। तो हम लोग को अपना रहन सहन, खान पान, रूटीन जो अपना डेली का रूटीन जो भी है उसको चेंजेस करना है, अपने बारे में मतलब सोचना है कि खुद को कैसे हेल्दी रखें। तो आप लोग अगर किसी के भी बॉडी में अगर इस तरह का कभी फील हुआ हो कि कहीं पे भी लम्प है, उसको प्लीज आप लोग इग्नोर नहीं करिए, और उसका टाइमली सोनोग्राफी होता है वो करवाइए, ठीक है। 40 एवं उम्र है तो उसके लिए टेस्ट है एक्सरे मैमोग्राफी, ठीक है, एक्सरे मैमोग्राफी करवाइए। अगर उसमें स्टेजिंग पता चल रहा है कि वो हम मतलब कैंसर की तरफ स्टेजिंग जा रहा है, 1-2-3 स्टेज है, तो आप उसमें बच सकते हैं, ठीक है, वो अर्ली स्टेज हो गया। अगर 3 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप उधर की तरफ चले गए हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या काम आज का मेन मोटिव क्या है कि हम लोग अपने आप को एडवांस स्टेज में नहीं जाए, ठीक है। आज जो यहाँ पर भी सुन रहे हैं वो फैमिली में जाके बताएं, फैमिली में